हॉकी बहुत महंगा खेल है। अगर आप शूज देखें हॉकी का एस्ट्रो टर्फ के लिए जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो ये कम से कम 50,000 की है। जो स्टिक एलीट है वो ऑलमोस्ट 20,000 की है। तो एक जो फैमिली है जिसकी अर्निंग की 30,000 है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। क्रिकेट इसको जो क्रिकेटिंग सर्च की वजह से सारी खेल जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। जितना स्पॉन्सर क्रिकेट में है, जितनी मालिश क्रिकेट में है, बाकी खेलों में नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं की गई, हॉकी को प्रायोरिटी गेम वाली तरजीह नहीं दी गई। क्लब्स को बचाना चाहिए था, आपको एकेडमीज की तरफ जाना चाहिए था, डिपार्टमेंटल हॉकी बचानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि बड़ा कप तो 30 साल से नहीं आया। 2010 में लास्ट हमारे पास एक एशियन मेडल आया था, जो एशियन गेम्स हमने जीती थी चाइना में, तो उसके बाद हमारे पास कोई बड़ा मेडल नहीं आया। जैसी मौजूदा फेडरेशंस बैठी हैं, अगर इस तरह के ये लोग बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तौबा करता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद हम एशिया कप भी ना खेलने जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आनंद नवीद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान में हॉकी के डंके बजा करते थे, और हॉकी जो है पाकिस्तान का कौमी खेल भी है। एक वक्त था कि जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाया करते थे तो पाकिस्तान की पहचान ऐसी होती थी कि पूछा जाता था कि समीउल्लाह पाकिस्तान, हसन सरदार, शहबाज सीनियर, इस तरीके से पाकिस्तान की पहचान हुआ करती थी। लेकिन न जाने कौन सी नज़र पाकिस्तान की जो हॉकी को है वो खा चुकी है। हमारे साथ इसी बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी के साबिका हेड कोच जनाब ख्वाजा जुनेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, कौमी खेल है हॉकी जो है पाकिस्तान का, और क्या आपको नहीं लगता कि ये बिल्कुल ऐसा हो गया है कि नापैद सा हो गया है, इसका कोई स्कोप ही नहीं रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, जब किसी चीज़ की भी कंटिन्यूएशन ना हो और डाउनफॉल भी लंबा हो जाए और उसको स्टेक होल्डर्स ओन भी ना कर रहे हों, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ कम्युनिटी से डिलीट हो जाती है। और हॉकी अगर आप देखें तो आप एकेडमी का जिक्र करें या डिपार्टमेंटल हॉकी देखें तो वो ना आने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू आर टाइम। जब हम लोग खेला करते थे तो हर डिपार्टमेंट की टीम हुआ करती थी, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज की टीम्स हुआ करती थी, तो क्लब्स जो है ना हर इलाके में क्लब्स थी। तो आज यही चीज़ों के ना होने की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ये तो चले ठीक है कि ये तो दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन ये इतने इतने बड़े क्लब्स हैं कि जैसे कि आपका ही ये क्लब है ख्वाजा जुनेद क्लब जो है, और इसमें पाकिस्तान को बहुत बहुत बड़े नाम भी दिए हैं बेशक, तो ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानी हॉकी और पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर जो हैं ये तो अब ऐसे दिखना शुरू हो गए कि जैसे इनको आता ही कुछ नहीं है? देखें, असल में मैं आपको बताऊँ कि जो दुनिया का एक मॉडल होता है जो हीरो वर्शिप जिसको कहते हैं, हीरो वर्शिप बेसिकली है क्या, हम लोग सिर्फ थर्ड वर्ल्ड में होता है कि जो हीरोज़ बन गए हैं वो बस उसको पूरी कॉम सलूट मारे और उसको पूरी दुनिया जान के सारे अहदे मिल जाए। जो फर्स्ट वर्ल्ड है वहाँ पे ऐसा नहीं है। हीरो वर्शिप कहाँ है? ग्रास रूट पे। जितने भी हीरोज़ हैं, सेलेब्रिटीज़ हैं, वो सारे ग्रास रूट पे आके काम करते हैं, जिस जिस गेम से जिस जिस उनको जगह से इज्जत मिली हुई है उसी जगह रिटर्न करते हैं। हमारे यहाँ यह फार्मूला ज़रा डिफरेंट है। तो जो आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हॉकी की वजह से ब्लेस्ड हैं उनको चाहिए कि वो अपनी क्लब्स बनाएं, अपनी एकेडमीज बनाएं, क्योंकि ये जो गेम्स हैं पूरे पाकिस्तान में अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ ही इन गेम की तरफ आती हैं। जब तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगी वो नहीं आएंगे। और हॉकी मैं बताता चलूँ कि एक बहुत महंगा खेल है। अगर आप शूज़ देखें हॉकी का एस्ट्रो टर्फ के लिए जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो ये कम से कम 50,000 की है। जो स्टिक एलीट है वो ऑलमोस्ट 20,000 की है। तो एक जो फैमिली है जिसकी अर्निंग की 30,000 है, वो सर्वाइव नहीं कर सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो है क्रिकेट को अब कौमी खेल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट हमारी पहचान है जी। आजकल अगर पाकिस्तान में कोई एक खेल है तो वो क्रिकेट ही है, बाकी तो खेलों को खेल समझा ही नहीं जाता। पहचान तो हमारी हॉकी भी थी। देखिए, थी लेकिन अभी क्योंकि आप देख लें लास्ट 3 डेकेड से हमारी कोई विक्ट्रीज बहुत बड़ी नहीं है लोगों के जहन में। क्रिकेट, मैं कहता हूँ ठीक है, क्रिकेट ने ओवरकम किया। क्रिकेट इसको जो क्रिकेटिंग सर्च की वजह से सारी खेल जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। जितना स्पॉन्सर क्रिकेट में है, जितनी मालिश क्रिकेट में है, बाकी खेलों में नहीं है।
ये तो स्पॉन्सर्स को भी सोचना चाहिए कि हमने हुब्बुल वतनी के लिए काम करना है, हमने खाली खेल के लिए काम नहीं करना है। स्पॉन्सर्स को कैसे किया जा सकता है, क्या ये हुकूमती लेवल के ऊपर कोई इसकी वो नहीं है, ये जो कौमी खेल है ये पाकिस्तान का है, तो स्पॉन्सर्स को क्यों देख रहे हैं, हुकूमत के को क्यों नहीं कह रहे हैं आपके भाई इसके लिए कुछ किया जाए? देखें, गवर्नमेंट की अवलिन तरजीह होती है, इट्स अ नेशनल गेम, इट्स अ प्रायोरिटी गेम। अच्छा, गवर्नमेंट के ही तवस्सुत से स्पॉन्सर्स आते हैं, मतलब आई मीन किसी हुकूमती लेवल पे एक किसी की कॉल जाए किसी को, यार आपने हॉकी को स्पॉन्सर करना है, तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, स्टेक होल्डर्स की गेम है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ले लें, टॉप ऑफ द इंडस्ट्रीज में सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मौजूद है, जहाँ पर दुनिया जान का सारा इक्विपमेंट बनता है। हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो हॉकी के लिए तरसते हैं कि उनको टॉप हॉकी मिल जाए, लेकिन सारी एक्सपोर्ट होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मदद किए बगैर आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। सर, इंडिया में इंडिया का कौमी खेल हॉकी नहीं है, लेकिन उनके पास आई थिंक के 100 या 100 प्लस एस्ट्रोटर्फ्स हैं, और पाकिस्तान के पास टोटल 60 भी नहीं है आपके पास। ये मैं इसको दुरुस्त करता चलूँ, ये भी आके हमारी पिछली जो गवर्नमेंट थी 13 वाली, उन्होंने आके तो बहुत एस्ट्रोटर्फ लगवाई, और आज आके नंबर को 30 को टच हुआ है। अगर आप हॉलैंड में जाएं तो वो थाउजेंड्स में है, जर्मनी में जाएं थाउजेंड्स में, ऑस्ट्रेलिया में जाएं थाउजेंड्स में है। अच्छा, उनकी आबादी भी देखें तो वो करोड़ के नीचे, 1 करोड़ के अंदर अंदर है, किसी की 80 लाख है, किसी की 70 लाख है। तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है और एसोट ऑफ 30 है, और नेशनल गेम हॉकी है। अच्छा, तो ये देखें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं की गई, हॉकी को प्रायोरिटी गेम वाली तरजीह नहीं दी गई, ठीक है। और फिर मैं समझता हूँ कि जो एक काम होना चाहिए था, क्लब्स को बचाना चाहिए था, आपको एकेडमीज की तरफ जाना चाहिए था, डिपार्टमेंटल हॉकी बचानी चाहिए थी। देखें, थर्ड वर्ल्ड में एक जो ऐसी फैमिली है जिनकी मुआशियात की प्रॉब्लम है, वो भी अपने बच्चे को कैसे कहेगी आप खेलें? वो तो क्यों जाओ बेटा, जाके कहीं काम करो, महीने के पैसे लेके आओ। अगर हॉकी में आप पैसे को इंसर्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी, मैं समझता हूँ, हॉकी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या ख्याल है, पाकिस्तान को जो इतने बड़े बड़े नाम मिले, जैसे अभी मैंने नाम लिया था, शहबाज़ सीनियर साहब हो गए, हसन सरदार हो गए, और एक दो बहुत बहुत बड़े नाम हैं, क्या ये भी पीछे से बहुत स्ट्रांग थे? देखें, क्रिकेट को भी ले लें, हॉकी को भी ले लें, जितने स्टार्स हैं, जितने एलीट्स हैं, ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं। अगर आप फैमिली ग्राउंड बैकग्राउंड लें, मेरी भी ले लें, किसी की भी ले लें, हम सब ब्लेस्ड बाय पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, और उसके बाद हॉकी की वजह से पूरी दुनिया में हमारी पहचान है। तो ये स्टोरी यही है कि जब वर्ल्ड कप जीते हैं तो आपको इतना पैसा मिल जाता है। अभी आपके पास स्टोरी है अर्शद नदीम जिसने जेवलिन फेंका, तो आप नू बाटर जिसने एक वेट उठाया, तो देखिए पूरा पाकिस्तान उसको पैसे देना चाहता है। तो इसी तरह हॉकी में भी था, इसी तरह क्रिकेट में भी है। सर, कितना वक्त हो गया किसी अच्छी ट्रॉफी का मुँह देखे? सर, मैं समझता हूँ कि बड़ा कप तो 30 साल से नहीं आया। 2010 में लास्ट हमारे पास एक एशियन मेडल आया था, जो एशियन गेम्स हमने जीती थी चाइना में, तो उसके बाद हमारे पास कोई बड़ा मेडल नहीं आया। लोगों का कहना है कि ये जो अभी एशिया कप हुआ है, एशिया कप में लोग कह रहे हैं कि आपकी जो कोचिंग थी बहुत नाकिस साबित हुई, कि आपने 11 खिलाड़ियों की जगह 12 के 13 खिलाड़ी ग्राउंड में खिला दिए। देखें, अभी तो खैर जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है इंडिया में, जिसमें हम 5th हुए हैं, उसमें मैं तो नहीं था, उसमें हमारी डिफरेंट मैनेजमेंट थी। बाकी रही बात, अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, जब आप फॉरेन कोच लाते हैं जिसको 20 लाख रुपए देते हैं, मेरी जितनी देर भी कोचिंग की असाइनमेंट रही है, मैंने कभी सिंगल पैन ही नहीं लिया, क्योंकि इस गेम ने मुझे इज्जत दी है। तो बाकी ये सारा मैनेजमेंट का जो आउट ऑफ पिच काम होता है, मैनेजर का होता है। मैं उस एशिया कप में एज ए मैनेजर गया था, ये लोगों को बताना चाहिए आपके चैनल की वजह से। वहाँ पर एक्मैन हॉलैंड के जो सर, आप जैसा सीनियर बंदा अगर बीच में मौजूद हो, चाहे वो मैनेजर क्यों ना हो, ये इतनी बड़ी, ये तो मैं हमाकत कहूँगा। सर, इसमें होता ही है कि मैं जो गाड़ी चला रहा होता है ना, उसमें कंडक्टर भी बैठा होता है, और कम से कम 20 ड्राइवर भी होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट फिर भी हो जाता है। ये हुआ क्यों? हाँ, हुआ इसलिए, ये दिस इज़ अ ह्यूमन एरर। आप जाते हैं, लोग इशारा क्यों काटते हैं, पता नहीं आपको कि आपने इशारा नहीं काटना, आपको पता मोटरवे पे ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, दैट इज़ ह्यूमन एरर, यू कैनॉट स्पॉट स्टॉप देम। ये हमारे उस वाक़े के बाद एक्मैन ने खुद तस्लीम किया, आई विल सेंड यू द वीडियो, कि जी दिस इज़ माई फॉल्ट, दैट्स वाई आई एम हेड कोच। ये जितनी इनसाइड द ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हेड कोच ही होती है। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि दैट इज़ अ लर्निंग फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर। तो ये चीज़ें होती आ रही हैं, होती रहेंगी,
इसको रोका ही नहीं जा सकता। अभी 2012 ये जो 2020 ओलंपिक्स थी, आप देखें जो 21 में हुई टोक्यो में, उसमें जापान कोरिया के मैच में 12 प्लेयर खेले, जर्मनी अर्जेंटीना के मैच में 12 प्लेयर खेले, ये एक बड़ा कॉमन सा समझें कि हॉकी हर चीज़ की तरह से पाकिस्तान को हर जगह पर पकड़ लिया जाता है। हाँ, पकड़ना नहीं जाता, पाकिस्तान के अंदर इशू उठाए जाते हैं। उन लोगों को तो कुछ नहीं कहा गया, हमारा मुल्क थर्ड वर्ल्ड है, यहाँ पे सियासत ही हर जगह होती है, तो इसलिए इन इश्यूज़ को बड़ा बना दिया जाता है। अदरवाइज ये तो बहुत माइनर सी बात है, इसको आप अगर ना डिस्कस करें तो ये इशू डिस्कस होने के काबिल ही नहीं है। सर ये बताएं कि सुनने में आया है कि पाकिस्तानी टीम जो है हॉकी की ओलंपिक्स के अंदर भी उसे क्वालिफाई राउंड खेल के जाना पड़ेगा। जैसी मौजूदा फेडरेशंस बैठी हैं, अगर इस तरह के ये लोग बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे मैं तौबा करता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद हम एशिया कप भी ना खेलने जाएं। ठीक है, तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जिनके अंदर दिल पैशन हो, जिनके पास प्लान हो। आप विदाउट द प्लान आप यू नेवर ग्रो, आई टेल यू। देखें आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जब बंदा डूब रहा होता है तो उसको एक तरीकाकार के ज़रिए बचना पड़ता है, अगर वो जो एफर्ट करता है तो वो मज़ीद डूब जाता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि हॉकी इसको डाउनफॉल का शिकार है, इसको बाहर लाने के लिए ज़ोर की ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर लाने के लिए एक प्लान की ज़रूरत है। अगर हम प्लान के साथ बाहर आएँगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया को हम एक दफ़ा फिर जीत के दिखाएँगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे जाते जाते आवाम को कि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, बड़ी मायूस हुई हुई है आवाम। देखें मैं अपने कौम के हवाले से एक पैगाम दूंगा जी, हॉकी में प्रवास जो है ना हमारी ख़राब हो गई, हम भूले नहीं हैं। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, देखें जब तक एक भी गरीब है हम सब गरीब हैं, और इस धरती पर जो कुछ है वो रब का है, जो चीज़ रब की है वो सब की है। और आपके कौमी तराने में एक खूबसूरत चीज़ आती है कि पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वत अख़ुव्वत अवाम, कि जब तक कुव्वत नहीं बनेगी, जब आवाम के अंदर कुव्वत नहीं होगी, तो मेरा यही मैसेज है कि हम अपने अंदर भाईचारा पैदा करें, हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करें। ये हॉकी क्या इस सारा मुल्क दुनिया पर राज करेगा। बिल्कुल जी, ख्वाजा साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल सही की है, और देखें ना मुल्क तरक्की की राह पे कैसे गामजन है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे वो अपनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, और उनको टक्कर देने के लिए हमने भी मिली नगमों की बौछार लगा दी है, नए नए मिली नगमे आ रहे हैं हमारे पास। अल्लाह करे कि ये मुल्क तरक्की करता रहे, हासिदों के हादसे से महफूज रहे, और पाकिस्तान का जो कौमी खेल है हॉकी वो दोबारा से परवान चढ़े और पाकिस्तान की शनाख्त का बाइस बने। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त है, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।